फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 99 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ने आने रोड सो मार्क्ड व्हाट व्हीकल कैन नॉट सर्कुलेट, कि ये वाला जो निशान लगा हुआ है तो कौन से जो व्हीकल हैं वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। जी, यहाँ पे जो साइकिल जो लोग चला रहे हैं वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। ए पैसेंजर कार, बी मोटरसाइकिल, सी बाइक्स, जिसका होगा सी, कि जो बाइक्स हैं वो चला रहे हैं साइकिल, वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कार व्हेन कार इट एक्सीड द जनरेटिंग मैक्सिमम स्पीड बाय 20 किलोमीटर, है आपके कब जो कार है वो जो 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर सकती है। ये वो कन्वेंशन रोड पर ओवरटेक करने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ए व्हेन रोड कंडीशन अलाउ ऑन हाईवे एंड एक्सप्रेस वेज, बी टू ओवरटेक ऑन मोटरवेज एंड एक्सप्रेस वेज, सी टू ओवरटेक ऑन कन्वेंशन रोड, जिसका अगर सी कन्वेंशन रोड पर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ऑन दिस रोड एज ए जनरल रूल इज इट अलाउड टू स्टे इन द लेफ्ट लाइन, के जनरल रूल के तहत इस रोड पर क्या आप हम जो लेफ़्ट साइड वाली लाइन है वहाँ पे ही रह सकते हैं? जी नहीं, हम रह सकते हैं, हमने राइट साइड पे ही जाना है। ए येस बिकॉज दी रोड इज़ नॉट सेटरेक्टेड, बी नो यू मस्ट मूव टू दी राइट लाइन, सी येस इफ़ इट डज नॉट हिंडर द मूवमेंट ऑफ अदर व्हीकल, जिसका होगा पी, के नहीं हम रह सकते हैं, हमने राइट साइड वाली लाइन पे ही वापस जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ रोड सेफ्टी द चेसिस एंड बॉडी वर्क्स हैव द फंक्शन, के पॉइंट ऑफ व्यू के से अगर देखा जाए तो जो गाड़ी के चेसिस और बॉडी वर्क्स जो है सब हैं वो कैसे वर्क करते हैं? जी वो जब एक्सीडेंट होता है तो कम ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं या जिससे कम से कम जो अंदर वाले जो लोग हैं वो जो है उनको चोटें हैं। ए ब्रोक एरोडायनामिक फेवरिंग कॉम इकोनॉमिकल ड्राइविंग, बी ऑब्जर्व द मैक्सिमम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन एक्सीडेंट, सी प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियन अगेंस्ट पॉसिबल एक्सीडेंट, जिसका पी को जो एनर्जी है उसको कम करते हैं एक्सीडेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हेन मस्ट ए पैसेंजर पास द फर्स्ट टेक्निकल इंस्पेक्शन, जो गाड़ी है वो फर्स्ट टेक्निकल इंस्पेक्शन है कब पास करेगी? जी वो जो 4 साल की जो उसने जब रजिस्ट्रेशन को उसको हो जाएंगे तो वो फर्स्ट ITV जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जाएगी। ए एट 3 years ऑफ एज फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, बी एट 4 years फ्राम द डेट ऑफ मैनुफैक्चर और इम्पोर्ट, सी एट 4 year ऑफ एज फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जिसका होगा सी, के जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके 4 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, टू अवॉइड और डिले द ऑनसेट ऑफ फतिया है ड्राइवर शूड, कि जो थकावट के जो सबब बनती हैं जो ड्राइवर के लिए उनसे कैसे बचा जा सकता है? जी जो गाड़ी के अंदर की अगर हवादार उसको हवादार रखा जाए, उसको ठीक रखा जाए तो उससे जो थकावट है वो कम होती है। ए कीप द इंटीरियर एयर ऑफ द व्हीकल एट ए हाई टेम्परेचर ऑलवेज अबव 25 डिग्रीज, बी कीप द इंटीरियर ऑफ द व्हीकल वेल वेंटिलेटेड, सी क्लोज द विंडोज़ कम्प्लीटली, जिसको पी, अगर हम गाड़ी के अंदर वाला हिस्सा जो सही हवादार रखते हैं तो इससे कम से कम थकावट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज़ दी एक्सीलेशन लाइन फॉर, जो एक्सीलेशन लाइन है वो किसके लिए यूज़ होती है? जी वो जो रोड को ज्वाइन करने के लिए ट्रैफिक के जो हालात को उस लिहाज से उसको ट्रैफिक में ज्वाइन करने के लिए एक्सीलेशन लाइन होती है। ए टू ज्वाइन द रोड और सेफ्टी स्पीड अप्लीकेट टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द ट्रैफिक, बी टू स्लोली ज्वाइन दी ट्रैफ रोड, सी टू रीच 120 किलोमीटर पर आवर ज्वाइनिंग द रोड, जिसका होगा ए, हम रोड को ज्वाइन करने के लिए जो स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए जो है एक्सीलेशन लाइन बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज़ दी ए ड्राइवर ओब्लिगेटेड टू मेक द पैसेंजर मेंटेन द प्रॉपर पोजिशन, के जो ड्राइवर खान को लाजमी है कि जो उसने गाड़ी में जो मुसाफर पैसेंजर वगैरह बैठाए हुए हैं उनको सही जगह पे पोजीशन पे ठीक जगह पे बैठाए। हाँ जी, ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि उनको अपनी जगह पे फिट करके बैठाए। ए यस, बी नो, सी नो, यू आर ओनली ओब्लिगेटेड टू टेक केयर ऑफ़ द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका होगा ए, कि हाँ जी उसकी जिम्मेदारी है ड्राइवर की, वो लाजमी ऐसे करे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, टॉकिंग ऑन दी मोबाइल फ़ोन व्हेन ड्राइविंग, जब आप मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, डज इट प्रिवेंट यू फ्रॉम स्टीयरिंग दी व्हील प्रॉपरली, क्या वो आपको
जो स्टेयरिंग है उस क्या आप उस पर सही कंट्रोल रख सकते हैं? ए यस बट ओनली व्हेन ड्राइविंग एट हाई स्पीड. बी नो व्हेन अप सपोर्टेड विद द शोल्डर. सी यस वेद एवर इज द हेल्ड विद द हैंड और विद द शोल्डर. इसका होगा सी. हाँ जी, हम अगर हमने अपने हाथ या अपने शायद कंधे पे मोबाइल उसके रखा हुआ है तो उससे हम स्टेयरिंग को सही कंट्रोल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इन ए सेक्शन विद ए स्टीप स्लोप देयर आर टू व्हीकल इन ए नारो एरिया वियर दे कैन नॉट क्रॉस द व्हीकल डेट सर्कुलेट है प्रेफरेंस. अगर एक हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो रोड बहुत तंग है, तो आगे से दो व्हीकल नीचे से भी ये जा रहे हैं, एक ऊपर से भी जा रहा है, किसको प्रायोरिटी हासिल है? जी, जो था व्हीकल जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसको प्रायोरिटी हासिल है, तो वो पीछे नहीं जा सकता, इसलिए उसको प्रायोरिटी हासिल है, वो पहले जाएगा. जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो ही पीछे जाएगा. ए विद हायर एम मैक्सिमम अथॉराइज मास. सी डाउन स्ट्रीम. सी असेंडिंग, जिसका होगा सी के जो असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको प्रेफरेंस हासिल है. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन ए बैटरी नीडेड लिक्विड व्हाट लिक्विड शुड बी एडिड. कि अगर आप एक बैटरी है उसको अगर वो उसका जो लिक्विड होता है अगर उसको ज़रूरत है तो वो कौन सा आप ऐड करेंगे? जी, हम जो डिस्टिल्ड वाटर होता है एक स्पेशल बैटरियों के लिए वो हम यूज़ करेंगे. ए वाटर एंड एंटी फ्रीज. बी वाटर एंड ऑयल. सी डिस्टिल्ड वाटर, जिसको अगर सी के हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट वियर हेल्प इज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज. एक जगह एक्सीडेंट हुआ है जहाँ के पे जो हेल्प है वो पहले ही ऑर्गेनाइज हो चुकी है, उनकी हेल्प हो चुकी है, क्या आपके लिए शुड यू स्टॉप टू हेल्प, क्या आप रुकेंगे हेल्प करने के लिए? जी नहीं, हम नहीं रुकेंगे. अगर हेल्प ऑर्गेनाइज हो चुकी है, उनकी हेल्प हो चुकी है, तो हम अपनी जो ड्राइविंग है वो हम जारी रखेंगे. ए यस ऑन इंटरबन रोड बट देयर इज नो सोर्स पोल. बी नो इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व यू मस्ट कंटिन्यू द मार्च. सी यस यू मस्ट स्टॉप एंड कॉपरेट प्लीज. बी हम नहीं रुकेंगे, हम अगर इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं बना, तो हम अपनी ड्राइविंग जो है वो जारी रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 है जी, व्हेन यू हैव टू गेट आउट ऑफ द व्हीकल टू अनलोड लगेज. अगर आपने गाड़ी में से जो अनलोड करना है उसमें लगेज वगैरह बैग वगैरह आपने उतारने हैं, शुड यू टर्न ऑफ द इंजन, क्या आप इंजन बंद कर देंगे? जी हाँ जी, हम इंजन बंद कर देंगे. हम उसका जो है वो उसमें से चाबियां वगैरह जो है वो भी हम निकाल लेंगे, सारा सिस्टम बंद कर देंगे. ए नो इट इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ इट इज़ ए शॉर्ट स्टॉप. बी नो यू ओनली नीड टू लीव द पार्किंग ब्रेक ऑन. सी यस यू मस्ट ऑल्सो डिसकोनेक्ट द इंजिनेशन एंड इंजिनेशन सिस्टम, जिसका सी के हाँ जी, हम जो इंजन है बंद कर देंगे और हम उसको उसकी जो कीज है उसके भी हम जो सारा सिस्टम है वो बंद कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 14 है जी, कौन ऑन दी रोड टेल यू. जो कोनों रोड के ऊपर लगी हैं वो आपको बता रही हैं. जी वो बता रही हैं कि जो कोनों हैं आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते और आप को वो जो है वो डायरेक्शन जो है उसमें दरम्यान से वो आप जा सकते हैं. ए द प्रोहिबिशन ऑफ क्रॉसिंग द इमेजिनरी लाइन डेट ज्वाइन दैम. बी एनफोर्समेंट ऑफ द ब्रोकन लाइन ऑफ द लाइन. सी नथिंग का दे आर नॉट ट्रैफिक साइन, जिसका होगा ए के जो तो आप उन्होंने जो लाइन रखी हुई है जिसके ऊपर जो कोनों को आप क्रॉस नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 15 है जी, दिस साइन इंडिकेट द एंट्रेंस टू ए रोड रिजर्व फॉर. जब यहाँ पे ये रोड पे ये बोर्ड लगा हुआ है तो ये गाड़ियों के लिए ये रोड रिजर्व है. जी ये साइकिल है, ये साइकिल वालों के लिए ये रोड रिजर्व है, यहाँ पे सिर्फ साइकिल वाले ही जा सकते हैं. ए मोप्स. बी साइकिल. सी साइकिल एंड मोप्स, जिसका होगा बी. ये जो साइकिल्स हैं वो उनके लिए रोड रिजर्व है, सिर्फ वो जा सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें. नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे. अपने दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.